Christmas Day. I can give you a cup of cocoa. हेलो, जय शंकर महाराज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिल स्टेशन है धर्मशाला नाम से। चलो अभी शुरुआत होगी, पहले तो भागसुनाथ वाटरफॉल से, उसका जो टेंपल है भागसुनाथ नाम से, वहीं से, और उसके बाद चलेंगे जो भी यहाँ की डेस्टिनेशन रहती है, पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे जगहें ऐसी है जहाँ पर आप जा सकते हो, पर जो 10 मेजर हैं उनके ऊपर लेके जाओ। लोकेशन के ऊपर घूमने के लिए आप टैक्सी और ऑटो का यूज़ भी कर सकते हैं। टैक्सी का प्राइस रहता है यहाँ पे 2500 रुपये पूरा डे का रहता है वो, और जो ऑटो का रहता है वो रहता है 1500 रुपये। चलो अभी मंदिर के दर्शन। इस पर मैं रहता है कुछ भक्तनाग मंदिर, और मंदिर के अंदर लेके चलेंगे आपको, दर्शन करवाएंगे नाग देवता के। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, यहीं पास में एक पॉन्ड टाइप में बने हुए हैं, पानी का नेचुरल वाटर सोर्स है, और यहाँ स्नान वगैरह करने के लिए सारा कुछ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप इस चीज़ का नज़ारा लीजिए। ये कुछ इस तरह के नेचुरल वाटर सोर्स और ये पॉन्ड बने हुए हैं, और इस तरह में रहता है स्नान के लिए, नहा वगैरह सकते हो। और यहीं पास में एक भागसुनाथ वाटरफॉल के नाम से लोकेशन है, वो भागसुनाथ वाटरफॉल है, वो पीछे में रहता है। तो अभी चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगी, और यहाँ पे आओ आप, बहुत बढ़िया लोकेशन है। आप भागसुनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद निकलते हो तो कुछ इस तरह की मार्केट आपको मिल जाएगी शॉपिंग करने के लिए, बुलेंस के कपड़ों से लेके वो हर एक चीज़ जो है इस मार्केट में अवेलेबल है। इस चीज़ का भी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, शॉप कर सकते हो बहुत बढ़िया से। तो चलो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलेंगे यहाँ से, और इन पॉइंट्स को आप इन गाड़ी में अल्टो के 10 वगैरह या ऐसी में घूम सकते हो। ये 2500 रुपीज़ जो है किराया लगता है इन 10 पॉइंट्स के लिए, और इसमें 4 लोग जो हैं वो आराम से आ सकते हैं, और ऑटो में 3 बंदे, उसमें 1500 होता है। पर आप गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि वो कम्फर्टेबल होता है और जैसे आपको लगता है। पास में शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे तिब्बतन मॉन्स्ट्री के पास में। ये है यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नीचे में, तो लेके चलेंगे आपको अंदर। ये है कुछ इस तरह की लोकेशन, ये पास में ये मेन रोड के मैकलोर बक्सू के, और अभी चलेंगे हम ऊपर के लिए। जैसे ही हम मॉन्स्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस टाइम में तिब्बतन है, फॉरनर्स है, और सारा कुछ यहाँ पर आप बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, फील ले सकते हो यहाँ पर बाहर का। और ये चारों तरफ में कुछ ऐसा है, में हम पहुंचे हैं अपनी थर्ड लोकेशन जो रहती है, वो है कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला। और इस टाइम में पहुंच चुके हैं हम धर्मशाला टी गार्डन के पास में, जो कि कुणाल पथरी में है, और यहाँ से ऊपर का व्यू जो रहता है, पूरा टी का गार्डन है ये ऊपर तक का। और ये भी एक हमारा फोर्थ डेस्टिनेशन जो रहता है, जो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप इन लोकेशंस के ऊपर विज़िट कीजिए। और यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको तो टी गार्डन कुछ इस तरह का नज़र आता है।
ये ऊपर में कुछ इस तरह का है चारों तरफ में, और नीचे में भी काफ़ी ज़्यादा दूर तक है। तो अभी थोड़ी देर चाय वगैरह इंजॉय करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद लेके चलूँगा मैं आपको पूरे टी गार्डन में ऊपर की ओर, मिलते हैं आपको। और इस टाइम में आ चुके हैं हम टी गार्डन में, यहाँ से एकदम से खूबसूरत है, आप देखो यहाँ के नज़ारे। और ये हमारा फोर्थ लोकेशन है जहाँ तक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और ये कुणाल पथरी में कॉलेज के पास में, ये थोड़ा सा आगे को आने पड़ता है। और इस तरफ को देखो तो ये है कुछ इस तरह का टी गार्डन, और जैसे भी हम टी गार्डन से निकलते हैं तो यहीं भी पास में एक दुर्गा माता का मंदिर है कुणाल पथरी में, और ये है माता दुर्गा का मंदिर ये कुणाल पथरी में। और यहाँ से चलेंगे हम अंदर, दर्शन वगैरह करवाते हैं। ये रहता है हमारा फिफ्थ डेस्टिनेशन जो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो आपके पूरे धर्मशाला में। अभी मैं आपको 10 या 11 जगहें ऐसी घुमाने वाला हूँ जहाँ आप धर्मशाला आ रहे हो तो घूम सकते हो। और इस टाइम में हम पहुंच चुके हैं अपनी 6th डेस्टिनेशन जो कि शहीद स्मारक है, ये मेन धर्मशाला में है। और बोर्स के टाइम का यहाँ पे सारे जो भी हथियार यूज़ होते थे वो सारा कुछ है। और इस तरफ में रहता है इंडिया का मैप, ये देखो आप, और आपको ऊपर लेके चलूँगा, उसके ऊपर सारा डिटेल दे के रखा हुआ है। और ये एकदम से खूबसूरत सा है चारों तरफ में देखो आप। और पौर सर कैसा लग रहा है आपका, आपने इतनी सारी डेस्टिनेशन 6 डेस्टिनेशन देख ली है, इतने हमारे देश के शूरवीरों के लिए जो समर्पित है ये म्यूजियम, वाकई बहुत खूबसूरत और अलग है, जरूर आइए सब। आठवीं जो हमारी डेस्टिनेशन रहती है वो है क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला। तो चलो अभी यहाँ से एंट्री करते हैं और अंदर लेके चलता हूँ, जो IPL के मैच होते हैं HPCA में वो है ये धर्मशाला स्टेडियम। और यहाँ से एंट्री है, और यहाँ पे एंट्री फीस लगती है स्टेडियम की, तो पूछते हैं अभी, देखते हैं कितना रुपए लगता है अंदर जाने के लिए। और यहाँ अंदर का एक बंदे का टिकट रहता है 30 रुपये, तो हम दो जने तो 60 रुपये, और ऊपर जाएंगे। अभी स्टेडियम का नज़ारा मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। और इस टाइम मैं बैठा हूँ मैं स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच, जो चेयर लगी हुई है इस तरफ में बैठने के लिए, जो खिलाड़ी रहते हैं यहाँ पे भी है और सामने भी है। और यहाँ से कुछ धर्मशाला का नज़ारा जो है वो ऐसा रहता है, बहुत बढ़िया है स्टेडियम में। और जब मैच होते हैं तो उस टाइम तो ऊपर पीक के ऊपर हल्का हल्का स्नो होता है, और बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी डल लेक। फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ मैं डेस्टिनेशन नंबर 9 पे, और ये 9वीं डेस्टिनेशन रहती है आपकी। और यहाँ का चारों तरफ का जो दृश्य रहता है एकदम से मनमोहक है, आप देखो तो चारों तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़ और ये लेक जिसमें मछलियाँ हैं। तो एक बार चेक कीजिए चारों तरफ में, ये लेक है, ये महादेव की लेक है, दुर्गेश्वर महादेव नाम से ये है, और ये रहती है नीचे। और इस टाइम मैं पहुंच चुके हैं हम नड्डी मेडिटेशन पॉइंट, यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह सेशन चलते हैं, तो आप मॉर्निंग में जब भी आओ आ सकते हो यहाँ पे। और ये कुछ इस नाम से है, आप देख रहे हो इस तरफ में, जहाँ पे सनसेट पॉइंट है वहाँ से हम नीचे आ गए हैं। तो अभी भी जाएंगे हम चर्च में, अभी नीचे उतरे हैं हम और बस चर्च में जाएंगे, और उसके बाद आपका वो 10वां पॉइंट होगा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ,
अगर आपको भी इन लोकेशंस के ऊपर जाना है तो ज़रूर आएँ, और एकदम से बेस्ट लोकेशन है, काफ़ी अच्छी जगह हैं। तो अभी देखते हैं चर्च में जाके, मिलते हैं आपसे और फिर एंड करते हैं ब्लॉग को। मैं पहुँच चुके हैं हम इस चर्च के पास में, ये रहता है आपका 10th लोकेशन और ये एकदम से खूबसूरत सी लोकेशंस हैं। आप देखो इस तरफ में तो बड़े बड़े देवदार के पेड़, और ये रहता है चर्च का फ्रंट एरिया। अभी चलेंगे हम अंदर। अब तो एकदम से चारों तरफ से बड़े बड़े देवदार से घिरा हुआ, धुंध छाई हुई है और एकदम से मस्त लग रहा है यार। और ये लोकेशन भी आपको मैं प्रेफर करूँगा, ये लोकेशन नंबर 10 है। जब आप कट करते हो तो एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ से मैंने आपको हर एक पॉइंट जो है वो बताया, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा। तो एक बार फिर से व्यू का नज़ारा लीजिए।